हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टी स्वीट चैनल। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक। देखिए, कभी कभी हमें एक्सेल शीट में बहुत सारा डेटा एंटर कराना पड़ता है। उसको हम डायरेक्ट भी एंटर करा सकते हैं और करा सकते हैं एक फॉर्म के जरिए। देखिए, दोनों ही बहुत आसान है, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि उन्हें कुछ फॉर्म टाइप मिल जाए, कुछ सॉफ्टवेयर टाइप मिल जाए जिनमें वो टाइपिंग करते रहे और उनके एंटर करने पे वो डेटा हो जाए सबमिट। तो वो देखने में अच्छा भी लगता है और आसान भी होता है। तो इसी के लिए एक्सेल ने हमें प्रोवाइड करार किया है कि हमें बिना कोडिंग जाने हम एक फॉर्म बना सकते हैं। ओके, सो उसे किस तरीके से अपने मेन्यू बार में ऐड करना है और यूज करना है डेटा एंट्री के लिए, आइए सीखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो जैसे कि आप यहाँ पे मेरी एक एक्सेल शीट देख रहे हैं, तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक फॉर्म बनाना है जिसके जरिए मैं इसमें डेटा एंटर करा पाऊँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से हम फॉर्म के ऑप्शन को अपने मेन्यू बार में ऐड कराते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है फाइल पे। फाइल पे जाने के बाद सबसे नीचे आइए, ऑप्शंस पे आप क्लिक कीजिए। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आप देखिए कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करने, उसके बाद क्लिक करिए कस्टमाइज रिबन पे, और उसके बाद आपको ये ऊपर जाना है और इसमें से सेलेक्ट करना है कमांड्स नॉट इन द रिबन, वो कमांड जो रिबन में नहीं है। इसके बाद देखिए यहां नीचे आइए, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करिए नीचे, और यहां पे देखिए एक फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है। तो फॉर्म के ऑप्शन को मेरे को कराना है ऐड, लेकिन आपको ये ऐड कहां पे कराना है वो भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए फिलहाल मैं इसको डेवलपर टैब में ऐड कराना चाहता हूं, तो मैं डेवलपर टैब को देख लेता हूं और इसे सेलेक्ट करता हूं। यहाँ पे न्यू ग्रुप आपको करना पड़ेगा। ओके, अगर आप डायरेक्ट इसे ये सेलेक्ट करके ऐड करेंगे तो ये आपको एक एरर देगा कि कमांड्स नीड टू बी एडेड टू कस्टम ग्रुप्स टू क्रिएट अ ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे मैं एक ग्रुप बना देता हूँ न्यू ग्रुप पे एंटर करके। ये मैंने ऐड करा और इसको मैंने अब सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं फॉर्म को सिलेक्ट करता हूँ और करता हूँ ऐड। तो देखिए न्यू ग्रुप के नीचे एक फॉर्म बन के आ गया है। ओके, आप इसे रिनेम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल इसे ऐसे ही रहने देता हूँ और कर देता हूँ ओके। तो अब देखिए, मैं अगर डेवलपर टैब में जाऊं तो देखिए कोने में एक न्यू ग्रुप के ऑप्शन में एक फॉर्म बना आ गया है जिसको हमने अभी ऐड करा है। अब बात आती है कि अब इसमें डेटा किस तरीके से एंटर होगा। तो देखिए जो जो फील्ड है उनको मैं एक टाइटल दे देता हूं और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से इसे ऐड करते हैं। तो मैं जल्दी से इसे एंटर कर लेता हूं, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एंड सिटी। ओके, ये हमारे सारे ऑप्शन हो गए। थोड़ा सा इसे फॉर्मेट कर देता हूं, चलो ये हो गया परफेक्ट। ओके, सो इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे आप। ओके, और उसके बाद अपने डेवलपर टैब में जाएंगे और उसके बाद फॉर्म में एंटर करेंगे और इसके बाद ओके। तो देखिए ओके करने के बाद एक छोटा सा फॉर्म बन के आ गया है यहां पे। ठीक है, इसमें वही सारे ऑप्शन है जो हमने अपने हेडिंग दी है। तो देखिए यहां मैं आईडी में टाइप कर देता हूं कुछ डेटा, वन, उसके बाद फर्स्ट नेम में मैं लिख देता हूं आशीष, उसके बाद लास्ट नेम में लिख देता हूं मैं रावत। ओके, इसके बाद एज 25, सिटी नोएडा, और इसके बाद एंटर। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो एंटर हो गया है। फिलहाल मैं इसे क्लोज करता हूँ क्योंकि देखिए हमारी जो फॉर्मेटिंग है वो अलग अलग आ रही है। तो सबसे पहले मैं इसकी फॉर्मेटिंग सुधार लेता हूँ और इसके बाद मैं करता हूँ डेवलपर जाके फॉर्म पे। तो ये हो गया। इसके बाद अगर मेरे को एक और एंटर करनी है तो मैं देखिए यहाँ पे जो न्यू है इस पर क्लिक करूंगा। न्यू पे क्लिक करने के बाद दोबारा से मैं डेटा एंटर कर रहा हूं, और आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब डेटा आप एंटर करेंगे इस फॉर्म में तो आपको टैब का यूज करना है। देखिए मैंने टू दबाया फिर टैब का यूज करा, इसके बाद ये फिल्म में आ गया। मैं लिख देता हूं एक नाम सृष्टि, उसके बाद मैं लास्ट नेम में देता हूं त्यागी। तो देखिए अगर मैं इसके बाद टैब नहीं दबा रहा और एंटर दबाऊंगा तो देखिए क्या होगा। देखिए एंटर दबाने से क्या होगा कि वहीं पर आपका जितना डेटा फिल हुआ होगा उतना ही सबमिट हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन दे रहा है थर्ड एंट्री का। थर्ड एंट्री आपको अगर करनी है तो थर्ड एफ नेम लोकेश, लास्ट नेम राहुल, और टैब का यूज करेंगे सो दैट हमारा डेटा सही होगा, सिटी गाजियाबाद। ओके, इसके बाद मैं एंटर मारता हूं। अब मान लीजिए अगर मेरे को सेकंड वाले पे और फिल करना है डेटा जो हमने नहीं कराया, तो हम
क्या कर सकते हैं, फाइंड प्रीवियस पे जाएंगे, उसके बाद फाइंड प्रीवियस पे जाएंगे तो हम सेकंड वाले पे आ गए और यहाँ पे मैं एज देता हूँ 22 और नोएडा, इसके बाद मैं कर देता हूँ एंटर। तो देखिए अब हमारा पूरा डेटा यहाँ पे आ गया है। तो देखिए इसके बाद क्या है, ये डिलीट, इसका यूज कैसे होता है इसके, और फाइंड प्रीवियस से आप देखिए फाइंड प्रीवियस से क्या होगा, आप जो इस एंट्री पे हैं उससे कि पहले की एंट्री पे आप जा सकते हैं और फाइंड नेक्स्ट आप उसके आगे की एंट्री में जा सकते हैं। और मान लीजिए कि आपको इसमें कुछ डिलीट करना है, तो मान लीजिए मेरे को ये सेकंड वाला रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो मैं इस डिलीट पे क्लिक करूंगा तो जो सेलेक्ट होगा यहाँ पे देखिए 2 है, ये आपसे पूछेगा कि डिस्प्ले रिकॉर्ड विल बी परमानेंटली डिलीटेड, मैं कर रहा हूँ ओके, तो देखिए इसको डिलीट कर देगा और नीचे वाले को ऊपर ले आएगा। ओके सो मैं से यहाँ पे क्लोज करता हूँ। तो देखिए इस तरीके से हम किसी फॉर्म के जरिए अपने डेटा को आसानी से एंटर करा सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है, होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट संडे मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी।